नमस्कार जी। बचपन से ही मेरा जीवों के प्रति बड़ा प्रेम भावना थी। अभी दिल्ली में जैसे कि आपको पता है कि बाढ़ की स्थिति थी और यमुना के आसपास के जितने भी एरिया थे उसमें बहुत ज्यादा पानी भर गया था और सबसे बड़ी मुश्किल थी कि वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में सांप भी थे। और मैं हमेशा से एक चीज अपने दिमाग में रख के चलता हूँ कि मेरा जीवन जो है वो इन जीवों के लिए और इन गौ माताओं के लिए समर्पित है और मैं जब तक जीऊंगा, जब तक मेरे जीवन की आखिरी सांस है, मैं इन्हें बचाने के लिए अपने प्रयास हमेशा करता रहूंगा अपनी आखिरी सांस तक। और यही सोच के मैं था और मेरी टीम थी और हम लोग पानी में उतरे और उस टाइम पे एक कुत्ते ने मेरा पूरे पैर पे दांत गड़ा दिए थे और मेरे पूरे पैर के अंदर खून निकल रहा था। हम लोगों ने इनके लिए व्यवस्था की है, हमारे टीम के लोग और हमारे वहाँ के कुछ वॉलंटियर्स हैं जो वहाँ पर इनके लिए खाने का अरेंजमेंट करा रहे हैं, उनको डॉग फूड दिया जा रहा है, गौ माता के लिए हम लोग चारा मंगा रहे हैं और हमारे पास संसाधन सीमित है। लेकिन सीमित संसाधन में भी हमारी सोच है, हमारी सोच यही है कि हमें जीव सेवा करनी है और जब जीवों की जरूरत पड़ेगी तब हम उनकी सेवा के लिए आगे खड़े हो जाएंगे। अब मेरे सामने जो दिक्कत है कि वो 1.5-2 महीने तक हम इनको खाना खिलाना है, जो एनिमल्स हमने वहां से रेस्क्यू किए हैं वो हमारे शेल्टर में आ गए हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वहां पर भी हम ऑन स्पॉट भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग आगे आइए और इन जीवों की मदद करने में हमारी मदद कीजिए। हमें आपसे बहुत सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम इनके लिए वो दवाइयां, वो चारा, वो खाना, वो तभी अरेंज हो सकता है। आप सबके सहयोग से ही हम इन जीवों की मदद कर सकते हैं, इसलिए प्लीज आप हमें थोड़ा थोड़ा डोनेट कीजिए ताकि हम इन जीवों को बचा सकें। जय गौ माता, जय गोपाल।